तो फाइनली दोस्तों हम शाहबाद से पंचकुला की तरफ जो रास्ता सरकार की नारकंडा की स्नो भी देख लीजिए, रात का समय है, रास्ते आपको दिखाते हैं, माता का मंदिर है, ये दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए हम कहाँ कहाँ एडवेंचर करते हैं, कहाँ कहाँ होम स्टे लेते हैं। ये कम से कम 2 फुट बर्फ है और ये हमारा रूम है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा डिनर आ गया है, आप देखिए सामने हाटू पीक है, यहाँ पे आप नजारा देखिए और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस, मैं हूँ हरविंदर, आप देख रहे हैं ट्रेवल एंड सिंह। आज हम एक विंटर स्पीति का टूर हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से, तो बने रहिएगा चैनल पे, बहुत ही बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं आपके पास। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करते, ज़्यादा बातें नहीं करते, रास्ते में बातें करेंगे चलते हुए। तो शिमला से आगे जितना पहुँच सकें हम पहुँचेंगे, निकल रहे हैं अपने घर से, चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको। तो दोस्तों हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, हम बाईपास में हैं, कुछ खाने पीने का सामान खरीदा है हमने। तो हमारे मित्र हेमंत जी जो पहली बार हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको मिलवाते हैं। हेमंत डल जी हमारे मित्र नए बने हैं, तो काफ़ी अच्छे मित्र, ये भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो आज इनके साथ हमारा पहला टूर है विंटर स्पीति का। तो चलिए चलते हैं, तो निकल पड़े हैं दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सीरीज़ को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया सीरीज़ होने वाली है ये, इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर मिलने वाला है, तो बने रहिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी आपको आगे। तो लेट हो चुके हैं, रास्ते में जाम का है, किसान आंदोलन भी चल रहा है। फाइनली दोस्तों आ गए हैं हम लंच करने के लिए मन्नत हवेली पे। सो दोस्तों फाइनली हमारा खाना आ गया है, मिक्स प्रॉन था, चटनी, अचार और बटर, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप सामने 2 तरह की चटनी है, अदरक लहसुन की चटनी है, टमाटर की हरी चटनी, और खाना बहुत ही बढ़िया, परांठा बहुत ही शानदार है मन्नत हवेली का। ये काफ़ी अच्छी फेमस कई इनके होटल्स हैं मन्नत हवेली के, तो ये जो है कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो आप आइए तो खाना जरूर खाइए यहाँ पर, मन्नत हवेली वैसे ही बहुत फेमस है। तो हम खाना खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों देखिए हाईवे पे अंबाला के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, किसान आंदोलन की वजह से देखिए रोड बिल्कुल खाली है, जीटी रोड पे बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अभी तक हमें बिल्कुल खाली रास्ता मिला है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो पीछे एक लाडवा से भी रास्ता था, किसी ने जाना हो चंडीगढ़, तो अभी हम जिस रास्ते से जाएंगे आपको दिखाएंगे, ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए रास्ते की, कि आप आना चाहो जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक आप चंडीगढ़ या शिमला या कहीं भी जाओ, तो आपको रास्ता दिखाएंगे जल्दी। तो फाइनली दोस्तों हम शाहबाद से पंचकुला की तरफ जो रास्ता सरकार की जो जाम की वजह से बंद था अम्बाला हाईवे पे, तो आप आए तो शाहबाद से रास्ता कटता है, आपको रास्ते में साइन बोर्ड भी मिल जाएंगे, पुलिस वाले भी दिखेंगे जो आपको रास्ता दिखाएंगे आगे आगे। तो आप शाहबाद मारकंडा से बराड़ा की तरफ मुड़ेंगे, वहाँ से फिर आप पंचकुला पहुँचेंगे। तो आप देखिए सामने आपको रोड दिखाते हैं, तो हम इस रोड पे आ चुके हैं, वहाँ से मोड़ से काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो उस रोड पे चल रहे हैं हम। यहाँ से 22 किलोमीटर है बरवाड़ा, तो यहाँ से फिर आगे हम दिखाएंगे आपको कहाँ निकलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आपको सफ़र करने में दिक्कत ना हो जब तक किसान आंदोलन चल रहा है। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं पंचकुला, थोड़ी सी मशक्क़त लगी लेकिन पहुँच गए हैं, थोड़ा सा
रास्ता बड़ा था, क्योंकि अब रास्ते नहीं है तो निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, नए से पता लगा तो सही सलामत पहुंच गए हैं। हाईवे अब खाली पड़े आगे बिल्कुल, तो पंचकुला क्रॉस करके और हम टोल पे पहुंच गए हैं। बस अब जल्दी ही हिमाचल में एंट्री करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे आगे जहाँ तक पहुँचेंगे। बने रहिएगा वीडियो में पूरा आखिर तक। तो फाइनली दोस्तों हमने हिमाचल में एंट्री कर ली है, तो स्पीति का ट्रिप चल रहा है हमारा, स्टार्ट हुआ है अभी। बने रहिएगा, पूरी ट्रिप को देखिएगा ज़रूर, बहुत ही शानदार ट्रिप होने वाली है ये हमारे भी। विंटर स्पीति पहली बार करने जा रहे हैं हम, और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होने के चांस है वहाँ पे, -25 टेम्परेचर होता है वहाँ पे। तो ये देखिए एंट्री देखिए, तो चलिए जल्दी से पहुँचते हैं शिमला नारकंडा, जहाँ तक पहुँच पाएंगे जल्दी से जल्दी। तो फ्रेंड्स पहुँच गए हम शिमला, देखिए आप सामने, तो शिमला क्रॉस कर रहे हैं, टाइम हो गया 7:30 बजे का समय हो गया है, कुफरी की तरफ जा रहे हैं। तो कुफरी से आगे नारकंडा कोशिश करते हैं, नारकंडा रुकने की, आज का पहला दिन है हमारा विंटर स्पीति का, तो पहला हम सोच रहे हैं कि नारकंडा तक कवर कर लें, फिर अगले दिन नारकंडा से कल्पा या रिकांगपियो स्टे करेंगे, फिर अगले दिन काजा। तो प्लान तो ऐसा है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है, भी निकल रहे हैं फटाफट से, खाना खाना है, रूम भी लेना है, तो चलिए चलते दिखाते हैं आपको, जो भी कमरा रूम लेंगे खाना खाएंगे और दिखाएंगे आपको जहाँ तक पहुँचते हैं, फिर इस वीडियो को एंड भी करेंगे। चलिए बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं आगे। इस टाइम ये हमारा फेवरेट ढाबा सीआरएम सिड्डू वाले, देखिए भीड़ रात को भी लगी हुई है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और हम नारकंडा की तरफ चल रहे हैं। होम स्टे हमने बुक कर दिया है, बस यहाँ से सिड्डू का टेस्ट करके फिर निकलते हैं यहाँ से। चलिए लो जी, देसी घी के साथ सिड्डू आ गया हमारा, देख लीजिए, पहले भी देख चुके हो तो हम यहाँ पे इस बार हम अपने भाइयों को भी खिला रहे हैं, और आप भी इंजॉय कीजिए। अगली बार ऐसे सिड्डू आए हम सिड्डू की वीडियो हमेशा ही डालते हैं, क्योंकि हमारी फेवरेट चीज़ है। चलिए हम खाते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए नारकंडा पहुँचने वाले हैं, और नारकंडा की स्नो भी देख लीजिए, रात का समय है, रास्ते में दिख रही होगी टूटी फूटी बर्फ, लेकिन कल स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है बहुत बढ़िया, तो हो सकता है अगली वीडियो में आपको बहुत बढ़िया स्नोफॉल देखने को मिले। तो फाइनली दोस्तों नारकंडा भी पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर ये नारकंडा का चौक आ गया है। तो अभी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, माता का मंदिर है ये, दर्शन कर लीजिए दूर से ही आप, ये फेमस दुकान है यहाँ पे, ये फेमस दुकान है, अभी बंद हो गया सब मार्केट, क्योंकि 9 बजे से ऊपर का समय हो चुका है। तो हम चल रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ, तो ले चलते हैं यहाँ से, अभी 2-3 किलोमीटर हमारा होम स्टे है, तो वहाँ चलेंगे होम स्टे में, और आपको होम स्टे दिखाते हैं। चलिए तो भाई साहब ये होम स्टे की तरफ जा रहे हैं, हाइट की तरफ देखिए रोड कैसा, छोटा सा रोड है, आप भी देख लीजिए हम कहाँ कहाँ एडवेंचर करते हैं, कहाँ कहाँ होम स्टे लेते हैं। आप भी आइएगा जरूर, वीडियो को जरूर देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा कि कहाँ कहाँ जाके हमारे को वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप भी कल को अच्छी सी जगह पे आ सकते हैं, और आप एंजॉय कर सकते हैं पीसफुल प्लेस पे, ऑफबीट लोकेशन पे मस्ती कर सकते हैं फैमिली के साथ। आपको इस होम स्टे का भी वीडियो बना के देंगे बढ़िया जल्दी से ही पहुँच के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस स्टेज की मिलती रहें और आप एंजॉय करते रहें। हिल टॉप पे प्रॉपर्टी है, यहाँ दो गाड़ियाँ जानी मुश्किल हो जाएंगी, है ना, बड़ी गाड़ी छोटी तो खैर साइड में निकल जाएगी, ये सामने ज़्यादा सुनो गिर के तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा, यही एडवेंचर हो जाएगा, यहीं का जो बन जाएगा, अंधेरा हो गया ना। वो होगा सामने वाला, वो सामने है भाई साहब, उसका नाम रास्ता लिखा हुआ है जो ऑनलाइन, हाँ रास्ता देखा, हाँ। और यहाँ पे जो इसने दिखा रहा है ना, वो जो कहाँ निकलेगी भाई साहब,
तारे गाड़ी में से पहले जाएंगे। तार नहीं है वो देंगे तभी तभी तो कह रहा हूँ सगराज मार देंगे वैन इधर काटो आप उधर ना काटो निकल के ये वाला रास्ता। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं अपने होम स्टे पे। ये होम स्टे है हमारा, यहाँ कई काफ़ी अच्छे होम स्टे बने हुए हैं और एक दो रिजॉर्ट भी हैं। थोड़ा सा ऑफ बीट लोकेशन है डाउन में आके, और ये आप देख लीजिए, बाकी आपको कल दिखाएंगे इसमें। ये गाड़ी खड़ी है हमारी, ये देखिए स्नो आप देख सकते हो, ये कम से कम 2 फुट बर्फ है। ये गाड़ी खड़ी है हमारी और यहाँ से हम होम स्टे में, ये बर्फ देख लीजिए, ये होम स्टे है। यहाँ से व्यू भी आपको सुबह जबरदस्त मिलेगा, अभी रात का समय। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। चलिए ऊपर चलते हैं, आपको रूम भी दिखा देते हैं। ये 4 कमरे हैं इनके पास और ये हमारा रूम है। ये यहाँ से गैलरी भी है, जो यहाँ से आपको सुबह बढ़िया वाला व्यू आने वाला है स्नो का। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा डिनर आ गया है। ये देखिए दाल तड़का बहुत शानदार है, हमने स्पेशल अपना देसी घी डलवाया जो हमेशा लेके चलते हैं। और ये है आपकी आलू गोभी, ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, लाए थे स्पेशल। और सैलेड देसी घी, चपाती वो हमारी आई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फूड है। मैं एक कटोरी दाल खा चुका ऑर्डर ही, और अभी आलू गोभी खा के टेस्ट करेंगे। और ये चपाती हैं भैया खा रहे हैं, तो मज़ा आ गया। घर वाला फूड है बिल्कुल हेल्दी, और देसी घी का तो मज़ा ही अलग आया था, हम डलवाते हैं तो उसका। तो खाना हमने टेस्ट चेक कर लिया है, तो बहुत बढ़िया खाना है। बाकी ब्रेकफास्ट सुबह दिखाएँ आपको, तो आप भी इंजॉय कीजिए, देखिए वीडियो को, और हम भी इंजॉय करते खाते फूड को। फिर मिलते हैं आपको जल्दी। सो दोस्तों नए दिन की नई सुबह हो चुकी है नारकंडा से। रात को हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि होम स्टे में आए थे, खाना वाना खाया था, खाना बहुत अच्छा था, फूड भी अच्छा था, और नाश्ता भी हमने कर लिया है। तो जो ये रास्ता होम स्टे के नाम से आपका होम स्टे है, इसका जो आपको मैं बता देता हूँ रास्ता कहाँ से आपको। नारकंडा मेन चौक से हम जाते हैं हाटू की तरफ, तो वहाँ से नारकंडा चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, थोड़ा सा आधा किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा आपको। तो काफ़ी होम स्टे बने हुए हैं, तो इसका मैं नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आपको डाल दूंगा। प्राइस भी अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, तो आप बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम नारकंडा से आगे कल्पा की तरफ चलेंगे, जिसको आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे हम। तो अभी जो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आप देखिए सामने हाटू पीक है यहाँ पे, तो यहाँ से माउंटेन व्यू रूम्स हैं, और आप नज़ारा देखिए, और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ अगेन आने वाले वीडियो में मिलेंगे। और आज हम से यहाँ से निकल रहे हैं, 19 फरवरी का दिन है, तो स्पीति की तरफ हमारा टूर चल रहा है। ये पहला ब्लॉग है स्पीति सीरीज़ का, तो अगला सीरीज़ का जो है कल्पा का आएगा। हम यहाँ से अब कल्पा निकलेंगे, तो आपको दिखाएंगे आगे स्नोफॉल कितना है, कैसा रास्ता है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।